वाह, क्या सवाल है अंकल जी, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन आंसर क्विज कंटेस्ट के आप होस्ट बन जाइए। इन्होंने पहन रखी है ना इसकी कमिश्नर की वर्दी। हाय, क्योंकि वो आ रहा है ना अपना अपना वो आ रहा है पुलिस का एनुअल का फंक्शन, एनुअल डे। तो पुलिस एनुअल डे फंक्शन के लिए पुलिस वाले एक नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल चल रही है यहाँ पे। यो दोनों भी कोई डॉक्टर नहीं है। यो है अपना हवलदार सुनीता, वेरी गुड, और यो है हवलदार पिंकू। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना वो तो टाइम तो निकल जाएगा फिर, ऐसे तो फिर चलो ना बाकी सगाई की जो रस्म है वो पूरी करते हैं जीजू, चलो ना। हाँ या लेट्स गो इनसाइड प्लीज। या अच्छा अच्छा तो ये बात है जी अंकल जी, तो चलो फिर। आइए अंकल जी, चलिए भाई। अंकल जी तो सब क्लियर हो गया है ना, तो ईब ज्यादा जो है समय ना वेस्ट करिए, हमें और भी काम हो रहे हैं ना, कमिश्नर साहब ने भी एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। हाँ मेरे तो केले भी खत्म हो गए, लेने जाना है जी। कर लो यार सगाई पे लो यार जल्दी। अरे भैया तुम तो हवलदार थे, रातों रात कमिश्नर कैसे बन गए जी? आए मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इस दा। अरे बकवास बंद करो, पहले हमारे केले का पैसा दो। ए बिल्लू बाबू, तुम बोले थे ना कि टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम इसको भर भर के बेइज्जत करेंगे। हाय दैया मोरी मैया। अरे मैडम जी ये क्या बक रहा है आपके सामने? हाँ मेरी आंखें ललन टॉप है। नहीं भाई इसमें कोई इतना टेंशन आने की जरूरत ना है, यो ऐसी पड़ोस में रहे और मेंटली डिस्टर्ब है यो। माँ थप्पड़ थेरेपी से सही हो जा भाई, देखिए कैसे सही होके चला गया कुल्ली। अरे अब कर लो ना सगाई यार। हाँ हाँ क्यों ना। सुमन लता ना ना। मेरी बस इतनी सी थी खाता कि तुम्हें बिना बताए मैं हो गया था लापता, लेकिन अब मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारा पता। मोहब्बत का फर्ज करूंगा मैं अता। ये, ये। हप, हप, हप। तेरी मांग में सिंदूर कब भरूं बस अब तू ये बता। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे हम अपनी बेटी के हाथ पीले करने आए थे, अपनी बीबी के नहीं। चुप बटे, तू उस लड़की का बाप नहीं, वो जहरीला सांप है जिसने हमारी मोहब्बत को टसा, उसके बाद तू जोर से हंसा। आज मैं सबके सामने सुमन लता की मांग में सिंदूर भरूंगा। कुछ हुआ था क्या? ये ये वाह 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 केपिंग्स एवरीबॉडी। वाह भाई मैं तो यो कहूंगी कि अमित जी के बाद अगर किसी ने परफॉर्म कराया तो भाई तैने करा बिल्लू। कंफ्यूजन भाई लौंडे की दाद देनी चाहिए। वाह वाह मजा आ गया। लड़के में डेडिकेशन देखो कि अपनी सगाई अपने जीवन का मेन डे भूल के ये पुलिस का जो चल रहा है ना अपने एनुअल डे का फंक्शन की रिहर्सल। अरे उसमें नाटक में यो ही तो है हीरो। मैडम जी हम तो बिल्कुल डर ही गए थे। डर तो जी हम भी गए थे ना। जमाई राजा तुम तो छुपे रुस्तम निकले जमाई राजा। हम तो डर ही गई थी। नमस्कार आप कौन? हम हैं यहाँ के कमिश्नर भाई। सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। एक मिनट, अगर ये कमिश्नर हैं
तो फिर ये कौन है? वेल हाय दैया मोरी मैया। मैडम जी हम तो एकदम ही कंफ्यूज आ गई हैं। हमें तो कुछ समझ में ना आ रहा। ए होने वाले जमाई राजा, अरे तुम ही मुश्किल हल कर दो। तुम्हारे जीजा असली कौन से हो रहे हैं इनमें से? कंफ्यूजन। मैं अलाउ मी, मैं बता रही हूं। भाई असली कमिश्नर साहब यानी कि बिल्लू के जीजा हैं यो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जीजू 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 जीजू। एक मिनट मैडम जी, आपने मुझे जो पहले हवलदार से मिलवाया तो आपने ये कहा कि ये कमिश्नर है और ये उसको जीजा बोल के उसके गले में लिपट गए। और उसके बाद जब ये कमिश्नर आए तो आपने कहा नहीं ये वाले असली हैं, वो वाले नकली हैं, और ये फिर जीजा बोल के उनके गले में लिपट गया। Hearing. अब ये देखिए, अब ये अपने को कमिश्नर बोल रहे हैं और इनके गले में वो लिपट गया। अब मुझे आप ये बताइए मैडम जी कि सच्चाई क्या है? भैया सच्चाई और जो हकीकत है वो क्लियर है, सिंपल है। अब देखिए हुआ ऐसा कि कमिश्नर साहब काफी बिजी आदमी से और मंत्री जी के संग इनकी एक बहुत ही खुफिया जासूसी पर्सनल इंटीमेट मतलब बहुत ही जरूरी वाली मीटिंग चल रही थी। तो कमिश्नर साहब ने कही कि देखो भाई मैं सगाई पे ही जस्ट डायनेमिक एंट्री मारूंगा जो इन्होंने मार ली। तब तक इन्हें जो है आप कमिश्नर बना के खड़ा कर दे। तो हमने कर दिया। कंफ्यूजन। तो यो है इंस्पेक्टर चिंपू भल्ला या दिस वन, चल हट। और यो है बिल्लू के जीजा यानी कमिश्नर साहब, जय हो। पक्का? क्यों सर? हाँ हाँ, हम तो अपनी शादी में भी साथ में भेड़े पे पहुंचे थे। हाय दैया मोरी मैया। अरे भैया तुम्हारे धर्म पत्नी से कौन छह फेरे ले बोला? इंस्पेक्टर चिंपू ने। या दिस वन। भाई देखिए ये असली कमिश्नर आपके सामने खड़े हैं और इन्हें वापस मंत्री जी के पास जाना है तो फटाफट इप सगाई कर लेते हैं। कर लो यार, इससे पहले कोई और कमिश्नर आ जाए। कर लो यार। एक मिनट। अरे भाई हम कमिश्नर साहब से पहले परिचय तो कर लें। साहब जी हमारा नाम प्रकाश है और झांसी झकास है। ओ या मान, ओ या। हाय हैंडसम। नमस्ते कमिश्नर जी। हम हो रही हैं छोरी की अम्मा। मेरी आंखें लल्लन टॉप हैं। हाय दैया मोरी मैया। अरे आज का सगाई का मुहूर्त तो निकल गया। अब ऐसा कर रही हूँ मैडम, अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? पंडित से जाकर डिस्कस करूंगी मैं और उसे भेजूंगी, वो बताएगा तुम्हें कि मुहूर्त कब है अगली बार, ठीक है? और अगली बार फिर हम आएंगे। चलो बिटिया। आ बेटा। सर सर के जरूरत थी आपने कमिश्नर बन के आने की? हमारे यार गए तो थे हम ड्यूटी करने, वहां जाकर हमारा जो दिल है यानी हृदय वो घर घटा के हमें कचोटने लगा अंदर से। और वैसे भी चौटाला वो कमिश्नर साहब की तबीयत कुछ बेटर हुई? चल रहा है सर, वहाँ भी उनका अंदर डॉक्टर और उनकी जो वो आइटम डांसर है वो कर रही है इलाज, पता नहीं क्या हो रहा है अब। मैडम ये आपने क्या किया? एक और ठुमका लगता और ये होश में आ जाते। आइटम सॉन्ग जरूरी है। दो दिन से और हो के रहा है, हैं? ठुमके पे ठुमके तो तू लगाती जा रही से। बस ये बहुत हो गया, अपना सामान बांधो दोनों और निकलो यहाँ से। हम किसी और बढ़िया वाले अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे सर का इलाज। अरे अरे मैडम ये क्या आप सिन्हा वाली बात कर रही है? देखिए आप हम पर पूरा जुनेजा रखिए, हम इन्हें एकदम यादव कर देंगे। एक आइटम संग और करने दीजिए, देखना देखना ये होश में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट चांस, लास्ट मौका। नहीं तो मैं अगर सर जी होश में आ गए तो बेल एंड गुड। ओके। और जो ना आए
तो इनकी जगह आंख खुली करके तुम पड़े होगे दोनों। बस ना यार चिंपू, ये लो। यार तूने मेरा नाम भी चिंपू रख दिया यार। तुम्हें तो पता ही है यार, मुझे बंदर ने काट खाया है, इसलिए मैं बंदरों जैसी कर रहा हूँ हरकत। इसदा नेकी कर, ऊपर वाला देता है बरकत, इसदा समझा। भैया आपको बचपन में गधे ने भी काटा था क्या? भैया एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है कि ये लड़की से मेरी शादी हो जाएगी? मतलब लड़की वाले आएंगे ना वापस कि नहीं? Why not bro? जरूर आएंगे यार। पता नहीं क्यों भैया, बहुत एक डर सा लग रहा है अंदर से ना, बहुत एक, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, आते नहीं ना लड़की वाले पलट के, फिर और मैं कुंवारा रह जाता हूँ और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाती है मेरी। लेकिन आपने कह दिया ना भैया, तो अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है भैया। मैं आपकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ भैया, बहुत। तुझे ऐसे इसको समझ में आने वाला नहीं है, मैं समझ गया हूँ तुझे। तू मेरी बेटी के चक्कर लगाना तब तक बंद नहीं करेगा जब तक मैं तुझे सख्त हिदायत नहीं देता। आज तू रोक अभी, तूने बहुत छेड़ ली, तूने बहुत छेड़ लिया मेरी बेटी को। अब तू बस ये बोल, अब छेड़ेगा इसने मेरे केले खाए हैं, पैसे नहीं चुका रहा है, और मारो इसको। दे दूंगा कानू मेट, पहले पैसे दो फिर कानू मेटता हूँ। पैसे मिल गए, मारो। कुछ हुआ था क्या भैया? कुछ नहीं हुआ था ब्रो, तुम सिर्फ डंडे से खेल रहे थे। सॉरी भैया। हो पंडित जी, आप बधाई हो आपको, शाम को 6 बजे आपकी सगाई का मुहूर्त निकला है। पंडित जी आप मेरे भगवान है, पंडित जी आपने मेरी लाइफ बना दी, पंडित जी आप बहुत चल 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 निकल 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 चल, तेरा बहुत हो गया, चल 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 निकल, ओ बिल्लू निकल जा, 100-100 रुपए। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने पंडित जी की बहुत ज्यादा इज्जत की। मैं समझ गया, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। हाँ भाई, तो कचौड़ी तो लखनऊ में, ये बिस्किट है। बंदर ले गया। रिहर्सल और रिहर्सल जल्दी ना, अपना पुलिस एनुअल फंक्शन की, बंदर का रोल कर रहा है उसमें इंस्पेक्टर साहब। कमिश्नर जी आप कभी उन्नाव गए? अरे उन्नाव स्टेशन के समोसे, हाँ हाँ हाँ, क्या समोसे हैं, अरे मैंने दुनिया भर के समोसे खाए, दुनिया भर के, लेकिन उन्नाव स्टेशन के समोसे ऐसे समोसे कहीं ना मिलेंगे, एक बार जइयो जरूर। क्या बात है, मेरी आंखें ललन टॉप है। मामी जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते। अरे 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 इब आपने बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। अच्छा सुन मैडम, ये वो मेरी नंद का छोरा। अरे मामी जी तुमने तो चाले कर दिए, ये वो छोरी जिसके साथ तुम हमारे ब्याह की बात चला रही हो। भाई एक बात बताओ, तुमने भैंस का दूध निकालना आवे?
मामी जी मन्ने तो लगे छोरी गूंगी है या के मुंह में तो जुबान को नी। नहीं वो क्या है ना कि मैं सबके सामने शर्मा रही हूँ। जरा कोने में तो आइए। अरे भैंस की पूछ, कोने में कुछ लेके जा रही हो? मामी जी गुट्टी तैयार रखो, मैं कहानी सेट करके आ रहा हूँ। सर वो किस्सा सुनाइए ना आपका वो फेवरेट वाला। सुनाते हैं सुनाते हैं। तो और वो और आपका जो माथा है ना इतना चौड़ा है कि उसमें पूरियां बेल सकते हैं। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा, जरा गौर से देखिए इनकी और दोनों नाक की नलियां हैं इतनी मोटी मोटी हैं कि उसमें गमला फंसा के पौधा उगा ले, एक तरफ कॉलीफ्लावर तो एक तरफ सनफ्लावर। मजाक कर रहे हो मजाक। मेरी आंखें वो तो हम दिख रही है आंखें, इनकी आंखें जो है पंजाब के ट्रक की हेडलाइट की तरह ध्यान से झटका ना लग जाए। कुछ भी हो सके। हाँ हाँ चलो अब शुरू करो, छह बज ही गए तो ले पसंद कर ले कौन सी है तेरी। यही लूंगा ना फिर। ले अंग्रेजन ये बची है। Exchange. Hand up. मैं इस इलाके का कमिश्नर हूँ। कमिश्नर क्या? एक और कमिश्नर? एक और नहीं, वन एंड ओनली कमिश्नर। यस कंफ्यूजन। चले डॉक्टर? हाँ डॉक्टर बबीता, थैंक यू खरे मच मैडम, लेट्स गो। मैडम जी अगर ये वन एंड ओनली वन कमिश्नर है तो ये कौन है? ओ भोला पंडित हैं ये, यहाँ के इंस्पेक्टर, और मैं यहाँ का असली कमिश्नर हूँ। यही मेरे जीजू हैं, यही है कमिश्नर, यही है असली है ये। अब करो ना सगाई शुरू करो ना। अरे रुको, अरे दो दिन में हम चार कमिश्नर से मिल चुके हैं और झांसी झकास है और ये रिश्ता बकवास है। देखिए अंकल जी, 100% सच्ची बात यो है कि असली कमिश्नर यो है। यो एक केले के छिलके में फिसल के गिर गए थे और इनको जरा चोट आ गई थी। बस 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 रहन दो, हमें ना सुननी कोई और कहानी बनाने की जरूरत ना है, हमें सब पता चल गया ये भी नकली है। कमिश्नर बड़े आए कमिश्नर, शक्ल तो देखिए, अरे हवलदार भी ना लग रहा है। चल आउट, गेट आउट।